चलो देख लीजिए क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. देयर आर एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. पहले समझाता हूं फिर लिखाऊंगा. चलिए समझ लीजिए. चुप करो प्रियंका, इधर देखो बेटा. सबसे पहले माइक्रोस्कोप, अगर आप लोगों को पता होगा, माइक्रोस्कोप होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. क्या होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. जो लाइट से चलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल. सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स. टाइनी ऑब्जेक्ट्स. तुम लोगों को पता है जो हमारे घर में बूढ़े होते हैं जिनकी आईसाइट वीक हो जाती है, कभी आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा या अगर कभी किसी ने देखा भी होगा, एक उनके पास एक शीशा जैसा होता है. अगर वो अखबार पढ़ते हैं ना, ये वाला शीशा स्पेक्स को छोड़ दीजिए, एक और शीशा होता है घर में, वो ऐसे पकड़ते हैं किसके किसके अखबार के नजदीक जो अल्फाबेट्स है अखबार के, वो क्या देखते हैं? वो अल्फाबेट्स उनको बड़े दिखाई देते, मतलब मैग्नीफाई करते. उनके पास जो एक लेंस होता है ना, वो मैग्नीफाइंग लेंस होता है. क्या होता है? हमारे पास भी होते हैं, आपके पास वो लेंस होता है, उससे बहुत बड़ी चीजें दिखाई देती है. तो उसी को बोलते हैं एक्चुअल में क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप. क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स. चींटी होगी यहां पर, आप ऊपर से देखेंगे वो बहुत बड़ी दिखाई दी, तो जिससे आप लोगों ने उसकी मैग्निफाइड इमेज देखी उसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? It is an optical instrument which is used to see the magnified images of बोलो शाब्दिक. It is an optical instrument which is used to see the magnified images of. याद रखो, इसको बोलते हैं क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप. ये लिखाऊंगा अभी, पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा. इसके बाद होता है किस तरीके से रे डायग्राम बनती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको आप बोलते हैं सिंपल. देखो कैसे. सबसे पहले इसमें एक लेंस होता है जिसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस. देखो आप लोग उधर इधर देखते हो, क्या है? कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस सबको पता है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल. सेंटर से जो पास होते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल. इसके दो फोकस होते हैं, कितने? एक यहां से होगा और एक यहां से होता है, प्रिंसिपल फोकस जिनको बोलते हैं. अब याद रखना, जब मैग्निफाइड इमेज कन्वेक्स लेंस से देखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हो किसके नजदीक? चार बार यहां पर रखना है ऑब्जेक्ट फोकस से पहले. ये मान लीजिए यह है टाइनी ऑब्जेक्ट. क्या है? टाइनी ऑब्जेक्ट. टाइनी ऑब्जेक्ट को क्या नाम रखूंगा मैं? ए बी. किससे पहले रखा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में. शाबाश. दो रेज डालनी पड़ती है, एक तो यहां से डालोगे, जो यहां से डालोगे आप लोग, शाबाश बेटा. इसको क्या रखते हैं? ये कहां से पास होके जाती है? ये रिफ्रैक्ट होके जाती है फोकस से. किससे? शाबाश, ये हो गई फोकस से निकल गई. ठीक है, अब यहां से एक रे डालनी पड़ती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑप्टिकल सेंटर से. इधर देखो, ये टेढ़ी लग रही है, टेढ़ी नहीं है. ठीक है, इनकी विड्थ बढ़ती जाएगी जितना जितना दूर जाते हैं. इधर देखो, इनको बैकवर्ड करना है ऐसे, इसको भी बैकवर्ड लेना है. जहां ये मीट करेंगे
ये वर्चुअल इमेज बनी कि रियल? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन, ये कौन सी इमेज है? ये बन गई वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इरेक्ट बन गई कि इनवर्टेड? इरेक्ट। मैग्निफाइड है कि डिमिनिश? शाबाश बेटा, ए डैश बी डैश। समझ आया? जरा तुम लोग मुझे बताओ, ए बी क्या था? टाइनी। ए डैश बी डैश इसकी क्या बन गई? मैग्निफाइड। मैग्निफाइड। और याद रखना, यहां से यहां तक इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर होता है लीस्ट डिस्टेंस हमारी आंख का। लीस्ट डिस्टेंस जब तक साफ दिखाई, क्लियर दिखाई देता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसको कितना रखना है? कितना रखना है? डी। कितना रखना है? डी। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक कितना रखते हैं? यू। ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ हो गई है, फोकल लेंथ एफ। ठीक है, ये बन गई ये सिंपल माइक्रोस्कोप की डायग्राम। अब है इसका मैग्नीफाइंग पावर। क्या है मैग्नीफाइंग पावर? जरा तुम लोग खुद बताओ, मैंने डिफाइन करके दिया है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ, व्हाट इज साइज ऑफ इमेज? ए आई अपॉन ओ होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ इमेज। क्या है? ए डैश अपॉन ए बी। यहां तक ठीक है बेटा? ए आया समझ आ सकता? ए डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मुझे बता, और तुम सबको पता है, अगर याद होगा मैग्नीफाइंग इमेज वो ट्रायंगल बना के, याद है इसकी क्या आई थी? बी अपॉन यू। क्या आई थी? नहीं किया? चलो फिर से दिखाता हूं। इन ट्रायंगल वो कराया था मैंने, आप लोग को याद है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश नहीं किया था? और आप लोगों को अगर आप लोग देखोगे भी ये निकला था, अभी मैं फिर कराऊंगा, ए डैश बी डैश ये आया था वी अपॉन यू। वी अपॉन यू क्या आया था? किन कौन को ट्रायंगल को लेके? ए डैश बी डैश सी और ए बी सी। तो फिर मैंने निकाल के दिया था एम इक्वल टू वी अपॉन यू। ये मैं फिर से कराऊंगा जब लिखाऊंगा। अब जब हमने यहां पर एम इक्वल टू वी अपॉन यू निकाल दिया था, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एक अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन, मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट बाई वी। क्या बात? वी हो गया वन माइनस वी अपॉन इज इक्वल टू वी अपॉन। ठीक है, जरा मुझे बताओ v अपॉन यू किसके बराबर हुआ? ये इधर लिया, ये इधर लाया, वन माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, वो ठीक है यहां तक? ठीक है, बट v अपॉन यू किसके बराबर है? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर हो गया वन माइनस वी अपॉन, बट v सबको पता है ये है v एक्चुअल, v इज इक्वल टू माइनस डी। इसलिए m इज इक्वल टू वन माइनस माइनस डी अपॉन क्या? f माइनस माइनस वन प्लस डी अपॉन, दिस इज द मैग्निफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर से बताता हूं, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग ध्यान तो दे दो। मैग्निफाइंग पावर अगर अभी आप देखोगे लेंस की क्या आए? v अपॉन। फिर मैंने लेंस फार्मूला लाई, लेंस फार्मूला होती है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन, मल्टीप्लाई थ्रू आउट किया किससे? मल्टीप्लाई थ्रू आउट किया किससे बेटा? वी से। वी से जब मल्टीप्लाई करूंगा वी अपॉन वी हो गया वन, वी अपॉन यू वी अपॉन वी अपॉन यू, ये इधर लिया ये इधर लाया, हो गया वन माइनस वी अपॉन क्या?
m इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f, v किसके बराबर है माइनस v, तो यहां पर वैल्यू पुट किया और आपको आया दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप। समझ आया कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं? yes, फिर से दिखाऊंगा अभी, तुम लोग घबराओ नहीं। पहले लिखो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, आंसर में लिखो सिंपल माइक्रोस्कोप।